हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्पिरिट गार्जियन का एपिसोड 6। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिंग ने डिसाइड करा कि वो मिंग्यू को ठीक करने के लिए लिंक्यू वेपन लेने के लिए क्वीन टियान की कंपनी में जाएगा। और फिर जब फैंग और वो मोटू साथ में जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं। मोटू कहता है कि आखिर हम इनसे कब तक भागते रहेंगे, चलो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि मोटू अपनी पावर से उन सारे क्रिएचर्स को मारने की कोशिश करता है, बट उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से खड़े होकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। मोटू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज हम इनसे बच पाएंगे। फैंग कहता है कि नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए और इनका वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि फैंग अपनी पावर्स की मदद से उन क्रिएचर्स को भटकाने की कोशिश करता है और फिर मोटू से कहता है कि हमें उस वेपन को लेकर निकलना चाहिए। मोटू जैसे ही उसे लेने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं कि वो वेपन के आगे एक अलग ही सीन लगी होती है जो कि वहां पर एक पहेली लिख देती है। उन दोनों को पहेली बिल्कुल भी समझ में नहीं आती इसका मतलब क्या है, जिसके जवाब में फैंग कहता है कि लगता है ये इस ताले की चाबी होगी और हमें इसी से ही कोई रास्ता मिलने वाला है। तभी वहां पर वही क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि फैंग के सारे इल्यूजन को मार देता है। मोटू कहता है कि वो क्रिएचर्स फिर से आ गए, अब हमें क्या करना होगा। फैंग कहता है कि तुम इस लॉक को खोलने की कोशिश करो, मैं इन्हें संभालता हूँ। दूसरी तरफ हमें मिंग्यू दिखाई देती है जब वो अपनी पावर्स को रिकवर कर रही होती, तभी उसे महसूस होता है कि फैंग की जान खतरे में है, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। फिर हम मोटू को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं क्या करूं, यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी पासवर्ड क्या है और मैं इसको कैसे लिखूं भला। हम देखते हैं कि मोटू पहेली को बार बार रिपीट करता है जिस कारण उसको पासवर्ड मिल जाता है, बट अब फैंग की पावर्स खत्म हो गई थी और वो सीधा नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि मोटू का पासवर्ड काम आता है और फिर वो सील भी खुल जाती है। तभी मोटू उन पर अटैक करता है। फैंग कहता है इससे पहले यहाँ पर कोई और आए, हमें यहाँ से चलना होगा, और फिर वो दोनों के दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्वीन टियान को देखते हैं जिसको शक होता है कि अंडरग्राउंड के अंदर कोई और आ चुका है, इसलिए वो चौंग से कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर मेरे को प्रोटेक्ट करो और सॉन्ग तुम वहां पर जाके चेक करो कि वहां पर कौन है। दूसरी तरफ हम फैंग और मोटू को देखते हैं जो कि वहां से चले जाते हैं, बट वो क्रिएचर्स अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मोटू कहता है कि थोड़ा तेज चलो ना, नहीं तो ये क्रिएचर्स मुझे पकड़ के ले जाएंगे अपने साथ। फैंग कहता है कि तुम पतले होते तो कोई बात भी अलग होती। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है, तभी अचानक से गजरे का ढक्कन हिलने लगता है और वो ढक्कन सीधा उस लड़की के ऊपर आने ही वाला होता है, बट फैंग उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग के पीछे वहां पर वो दोनों के दोनों क्रिएचर्स भी आ जाते हैं और फैंग सीधा उनके ऊपर ढक्कन फेंक के मार देता है। फिर हम देखते हैं कि मोटू भी अपनी पावर से उन दोनों की मुंह बंद कर देता है और फिर फैंग भी पीछे नहीं हटता और उन दोनों क्रिएचर्स के ऊपर लात मार देता है, जिस कारण वो दोनों के दोनों फिर से गजरे के अंदर चले जाते हैं। फैंग मोटू से कहता है कि जाके तुम उस लड़की को देखो, कहीं वो हमें देखकर पैनिक ना हो जाए। जैसे ही मोटू उस लड़की के पास जाता है, वो लड़की तो वहां पर होती ही नहीं है। फैंग को वहां पर कोई चीज महसूस होती है, इसलिए वो मोटू को सावधान होने के लिए कहता है, बट हम देखते हैं कि तब तक उस पर कोई अटैक कर देता है और उसके अंदर एक पॉइजन चले जाता है। तभी वहां पर सॉन्ग आती है और कहती है कि तुम दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हो, उस वेपन को लेकर। सॉन्ग उन दोनों पर सोल ट्रैकर से अटैक करती है और फिर हम उन तीनों के बीच में बहुत अमेजिंग फाइट देखते हैं। वैसे सॉन्ग भी किसी से कम नहीं होती है, वो भी अकेले उन दोनों को संभाल रही होती है, बट फैंग बहुत ज्यादा चालू होता है, इसलिए वो अपने इल्यूजन्स बनाता है और फिर हम देखते हैं कि वो पीछे से उसे लात मार देता है। फैंग मोटू के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। मोटू कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। फैंग कहता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी को भी छोड़ के चले जाऊं। सॉन्ग कहते कि वाओ क्या पक्की फ्रेंडशिप है तुम दोनों के बीच में, चलो अब साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर सारे के सारे गार्ड्स उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर फ्रोजन सीड लग जाती है और वो दोनों के दोनों बच जाते हैं। फिर हम वहां पर मिंग्यू को देखते हैं जो कि उन दोनों को बचा के वहां से ले जाती है। सॉन्ग कहते हैं कि सच में तुम किसी भी काम के नहीं हो, क्या तुमसे वो रोकी नहीं गई थी। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोटू अपने अंदर का पॉइजन बाहर निकाल रहा होता है। फैंग कहता है कि वाकई में वहां पर तो कितने ज्यादा ट्रैप्स थे, है ना। तब फैंग मिंग्यू को वो बोतल दे देता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे डिवाइन बीस लेके आ गया हूँ। मिंग्यू पूछती है कि सच में इसके अंदर क्या बीस्ट होता है। मोटू कहता है कि वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा, इसको खोलो जल्दी से। तभी हम देखते हैं कि मिंग्यू उस पोर्टल को खोल देती है जिसके अंदर से वाकई में एक बीस्ट बाहर आता है। मिंग्यू कहते हैं कि वाकई में यही एंसियन डिवाइन बीस्ट है क्या। फैंग कहते हैं कि लिंक्यू और मिंग्यू तुम दोनों के नाम तो मिल रहे हैं आपस में। मिंग्यू लिंक्यू को बुलाती है और कहती है कि मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि लिंक्यू नीचे आ जाता है। मिंग्यू जैसे उसे टच करने की कोशिश करती है, तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट वहां से भाग जाता है। मोटू कहता है कि देखो वो भाग गया। फैंग कहता है कि इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, जानते हो हम कितनी मुसीबत से तुम्हें लेके आए थे।
और फिर वो तीनों के तीनों उसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फैंग कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो मिंग्यू, अब पूरी की पूरी तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट उसके ऊपर एक करंट फेंकता है जिस कारण फैंग को हर्ट होता है, और वो कहता है कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो, मैंने तुम्हें अंडरग्राउंड से बचा के लाया और तुमने ये करा मुझे। फैंग उस बीस्ट की पूंछ को पकड़ लेता है, वो बीस्ट उस पर करंट फेंक ही रहा था बार बार। फैंग कहता है कि देखते हैं आज तुम इसे कहाँ तक भाग पाओगे, और वो बीस्ट पूरी जगह बिजली फेंक रहा होता है जिस कारण पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े होने लग जाते हैं। मिंग्यू कहती है कि छोड़ो जाने भी दो अब उसको। फैंग कहता है कि नहीं अभी हमारी आखिरी उम्मीद है। मिंग्यू कहती है कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो जानते हो कितना बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि उस बीस्ट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिस कारण अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी वो तीनों के तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बीस्ट उनका पीछा कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों तो वहां से निकल जाते हैं, पर बीस्ट के ऊपर पूरी चट्टान गिर जाती है जिस कारण वो वहीं पर ही फंस जाता है। मिंग्यू कहते हैं कि हम उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और फिर मिंग्यू वहां से निकल जाती है। मोटू कहते हैं कि पागल बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, जानते हो वो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करता है, अगर उसने तुम पर मार दिया तो तुम और भी ज्यादा वीक हो जाओगी। मिंग्यू कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिर्फ उसे मदद कर रही हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि मिंग्यू अपनी पावर से उसे खींचने की कोशिश करती है, और फिर हम देखते हैं कि वो वहां से निकल जाता है। मिंग्यू नीचे गिर जाती है, तभी वो पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, वो दोनों आकर उसे बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिंग्यू वहां से जाने लगता है। मोटू कहता है कि मुझे पता था कि ऐसे ही करेगा, क्या ये सच में हमारी मदद करेगा। तभी हम देखते हैं कि लिंक्यू नीचे उतर जाता है और उन दोनों को इशारा करता है कि वो आके उसके ऊपर बैठ जाए। तभी वो सबके सब उसके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। लिंक्यू उन दोनों को सेफ जगह पर छोड़ देता है। मिंग्यू कहती है कि हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे अगर तुम चाहते हो तो। लिंक्यू वहां से चले जाता है। मिंग्यू कहती है कि मुझे अब दूसरा तरीका ढूंढना होगा। मोटू कहता है कि ये तो लास्ट रास्ता था ना। मिंग्यू कहती है कि नहीं, लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा था, और फिर वो बेहोश हो जाती है। मोटू बताता है कि पहले ही मिंग्यू की स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर थी, और फिर लिंक्यू को बचाने के चक्कर में तो अब उसकी स्पिरिट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक बच पाएगी। फैंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोटू कहता है कि नहीं, और हमारा लास्ट मौका भी निकल गया, ये सब कुछ उस बीस्ट की वजह से हुआ, ना जाने उसने ऐसा क्यों करा हमारे साथ। मिंग्यू कहती है कि मुझे माफ करना। फैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर बचा लेंगे। तभी वहां पर लिंक्यू भी आ जाता है जो कि मिंग्यू की हेल्प करने के लिए उसे एक फ्लावर बोटम में बंद कर देता है। मिंग्यू कहती है कि वाकई में लिंक्यू तुमने मुझे बचा लिया, और वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और फाइनली मिंग्यू ठीक हो जाती है। फैंग कहता है कि मैं जानता था कि तुम जरूर ठीक हो जाओगी। हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट मिंग्यू की स्पिरिट सोल बनने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसके अंदर चले जाता है। फैंग कहता है कि वाओ कितना अमेजिंग है। मोटू कहता है कि लगता है स्पिरिट बढ़ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चुना है। तभी मैं सोचू कि तुम दोनों के नाम आपस में कैसे मिल रहे हैं, अब हमें तो नया फ्रेंड मिल चुका है। दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई देती है जो कि फैंग को बाहर मिली थी, और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्विंटियान की बेटी होती है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, छोटा सा कमेंट भी कर देना।